CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में पद्मा का सिर अब शर्म से नहीं झुका है और मोल्डोवा में अनाथ गैला और कोयला को CBN ने शरण दी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय जयति जयति मम भारत जयति जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में हम दोनों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या शर्म मर्यादा की जगह ले सकती है। समीर, कल मैंने एक नया डिटर्जेंट यूज किया, वो वाकई में बहुत ही अच्छा था। उससे कमीज पर लगे हुए सारे दाग सारे धब्बे एक बार में ही निकल गए। काश कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो पाता कि हम अपनी ज़िंदगी के जो भी दाग हैं, जो धब्बे हैं या फिर जो भी इल्ज़ाम है, वो पानी में डुबाकर साफ़ कर पाते, या फिर कोई और तरीका होता जिससे वो एक ही बार में बिल्कुल साफ़ हो जाते। हाँ आशिमा, एक्चुअली ये हो सकता है। हमारी पुरानी गलतियाँ, हमारी पुरानी जिल्लत, ये सब खत्म हो सकता है और हम अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ पद्मा के साथ। उसकी ज़िंदगी बहुत शर्म के साथ भरी हुई थी। ऐसा जिंदगी वो जी रही थी जो उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी जिंदगी के बाद वो फिर से डिग्निटी के साथ या मर्यादा के साथ जी सकती थी। आइए हम पद्मा की कहानी देखते हैं। बचपन से ही मैंने डांस सीखा और बाद में मैं डांस और रिकॉर्डिंग ट्रूप की सदस्य बन गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फिल्मों में गाने होते हैं और अभिनय के समय ग्रुप टेप पर गाना लगाता और मैं उन धुनों पर नाचा करती। पंद्रह साल की उम्र में पद्मा ने स्टेज डांसिंग को अपनी जीविका बना ली थी। उसको ये कड़ा फैसला अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से लेना पड़ा था। मेरा एक भाई बीमार था, इसीलिए मुझे उसके लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते। अस्पताल की फीस से लेकर उसकी दवाइयों तक का खर्च मुझे देना होता, इसीलिए जो भी मैं कमाती वो सब मेरे भाइयों पर खर्च हो जाया करता। हालांकि पद्मा थिरकती धुनों पर पूरे उत्साह से झूम कर अपने नृत्य के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया करती, लेकिन दिल ही दिल में उसको अपने आत्मसम्मान को खोने का एहसास हुआ करता। मैं वो काम छोड़ना चाहती थी, लेकिन घर की परेशानियों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था। हमें आर्थिक तौर पर मदद देने वाला कोई भी नहीं था। फिर मैंने अपनी मुश्किलों के साथ जीना सीख लिया। भीड़ में नाचते हुए मैं दुखी और अपमानित महसूस किया करती। मैं सोचती कि कब मैं इस काम को छोड़ पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो आमदनी कहां से होगी, और कोई रास्ता ना होने की वजह से मुझे नाचना ही पड़ता। साल गुजरे और समय के साथ पद्मा उम्रदराज हुई और उसे डांस छोड़ना पड़ा। उसके बाद गुजर बसर के लिए उसने डांस ट्रूप के लिए लड़कियों को भेजने का व्यवसाय शुरू किया। हम इन लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाए, वो हमारे कार्यक्रमों में नाचा करती, लेकिन कभी कभी वो बीच में ही छोड़कर चली जाती। क्योंकि हम इनको एडवांस दे देते थे, इसीलिए उनके बीच में काम छोड़ने से हमें घाटा हुआ करता। और ये घाटा पद्मा को तब भारी पड़ने लगा जब देनदार उसके दरवाजे तक आने लगे। जब देनदार मेरे घर पर आकर हंगामा करते, मुझे बहुत दुख होता। जिनको हमने पैसे दिए थे उन्होंने वापस नहीं लौटाए, लेकिन जिनसे हमने पैसे लिए थे वो हमें छोड़ नहीं रहे थे। वो घर पर आकर बहुत गंदी भाषा में बात करते और लड़ाई भी किया करते। इन सब की वजह से मैं अपने मन की शांति खो चुकी थी। उस दौरान पद्मा की एक पड़ोसन जो मसीही थी उसके पास आई और उसको अपने चर्च में आने का न्योता दिया। उन्होंने मुझसे यीशु को स्वीकार करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम यीशु को स्वीकार करोगी तुम्हें शांति मिलेगी और तुम अपनी परेशानियों का सामना कर पाओगी। उन्होंने कहा परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। वो मुझे चर्च ले गए और पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की।
उस दिन पद्मा को अपने दिल में एक अनजानी शांति का एहसास हुआ और तब से वो नियमित तौर पर चर्च जाने लगी। जो संदेश वो सुना करती, उन्होंने यीशु में उसके विश्वास को मजबूत किया और उसके जीवन में पहले के मुकाबले काफी परिवर्तन हुए। फिर पद्मा ने अपने द्वारा की गई गलतियों की माफी मांगते हुए दिल से खुद को यीशु को समर्पित कर दिया। यीशु को स्वीकार करने के बाद मेरी परिस्थिति बदल चुकी है। मुझे कुछ पैसे वापस मिले और मैं अपने देनदारों का कर्ज चुका पाई। अभी भी कुछ पैसे देने बाकी हैं। मैं एक घर बना पाई और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यीशु को स्वीकार करने के बाद आज मेरे मन में शांति है। पद्मा अपनी पिछली जिंदगी में बदनामी और शर्म सहकर एक दैनिक मजदूर जितना ही कमा पाती, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि आज वो आत्मसम्मान भरा जीवन जी रही है और साथ ही उन मूल्यों पर भी सच्चाई के साथ चल रही है जिन्हें उसे यीशु ने सिखाया। हमें शर्म तब लगता है जब हम पाप करते हैं। पाप के कारण हमें ये महसूस होता है कि कुछ गंदा है, कुछ सही नहीं है मेरे अंदर। पाप का परिणाम सिर्फ दो हो सकता है, सजा या क्षमा। यीशु ने सजा ले ली ताकि आपको और हमें क्षमा मिल सकती है। हम जब यीशु में विश्वास करते हैं, हम क्षमा पाते हैं। पद्मा का जीवन यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद बदल गया और उनको क्षमा मिल गई और उनका पाप से भरा हुआ जीवन, शर्म से भरा हुआ जीवन रिस्पेक्ट और डिग्निटी में बदल गया। समीर, हो सकता है आज ऐसे ही कई लोग हों जो ऐसा ही जीवन जीते हों, लेकिन फिर भी वो लोगों पर उसको दर्शाते नहीं हैं। अंदर ही अंदर वो वो पछताते हैं कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो गलत काम है। लेकिन आज आपके लिए एक मौका है जब आप अपनी उन गलतियों से पछतावा पा सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप इस समय उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ऐसा जीवन जीते हैं। इस समय आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, आप उसके क्षमा को स्वीकार कीजिए। जब आप विश्वास करते हैं, वो क्षमा आपके अंदर आती है और आपको पूरी तरह से परमेश्वर साफ करता है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम जानते हैं कि आप पापों की क्षमा देते हैं और हम मांगते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो पाप के दलदल में है या अपने अंदर शर्म महसूस कर रहा है। हम मांगते हैं प्रभु कि वो आज इस समय आप में विश्वास करेंगे और आपकी क्षमा को स्वीकार करेंगे। प्रभु, हम मांगते हैं कि तू उनके पाप को क्षमा करेगा और उनको साफ कर देगा और वो डिग्निटी प्रभु, वो मर्यादा के साथ वो फिर से जी सकेंगे। प्रभु धन्यवाद कि तूने एक ऐसा हल हम सब के लिए लाया है प्रभु, कि जब हम तुझ में विश्वास करते हैं हम फिर से साफ हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे इस महान कार्य के लिए। यीशु मसीह, हम उन सारे लोगों के लिए मांगते हैं तेरे नाम से, आमेन। आमेन। आप ये साफ और आप ये आशीष भरा हुआ, शांति भरा हुआ जीवन, मर्यादा से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। आज जबकि चारों तरफ करप्शन है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक मर्यादा भरा हुआ जीवन जिए इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट के साथ। इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके लिए पुस्तक लेकर आए हैं जिसका नाम है इंटेग्रिटी। इसको आप हमसे जरूर मंगवाइए और ये पुस्तक हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध है। जब आप हमें कॉल करते हैं, हमारे सलाहकार से बात करते हैं, तब आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको इंटेग्रिटी पुस्तक चाहिए और हम आपको ये पुस्तक जरूर देना चाहेंगे। पद्मा के जीवन को यीशु मसीह ने पूरी तरह से बदल दिया। शायद आपके पास ऐसी कहानी है जब आप परमेश्वर के पास आए और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हमसे बांटें ताकि आपकी कहानी के द्वारा हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। जरूर हमारे साथ संपर्क कीजिए, हमें फोन कीजिए। हमारे वेबसाइट cbnindia.tv पे आकर आप हमें अपनी कहानी बता सकते हैं। हम आपसे मिलना चाहेंगे और आपकी कहानी दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे। दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। आप देर मत करिए, अभी अपना फोन उठाइए और हमें फोन जरूर करिए। लेकिन अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपके लिए रिजेक्शन या फिर अस्वीकृति के बारे में स्पेशल संदेश लेकर आए हैं, इसे जरूर देखिए। कभी किसी झुंड से बाहर कर दिए जाना, कभी किसी का प्यार हासिल न कर पाना, तो कभी अपने आप को किसी के लायक न समझना। अगर आप अस्वीकार और तिरस्कार की इन भावनाओं से जूझ रहे हैं तो आज ही हमें कॉल करें 0124-428-6777 पर या SMS करें 9910-401-010 पर। हमारे सलाहकार आपके लिए दुआ करेंगे और ऐसे परमेश्वर से मिलवाएंगे जो आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता है।
ब्रेक के बाद देखेंगे मोल्डोवा में अनाथ गैला और कोयला की मदद CBN ने कैसे की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। अगर आपके माता पिता इतनी शराब पीते कि आपकी देखभाल बिल्कुल नहीं कर पाते तो आज आपका जीवन कैसा होता? गायला और कोयला के माता पिता शराब पर इतने ज्यादा निर्भर थे कि उनका जीवन ही खत्म हो गया। ऐसे में गायला और कोयला का क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारे कार्यक्रम में। गायला और उसके भाई कोयला ने अपने बचपन के कई साल खुद को गर्म करने में गुजार दिए। माल्डोवा में सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन उनके माता पिता ने कभी उनकी परवाह नहीं की। मेरी माँ और पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे, अक्सर हम भूखे रहते
घर के अंदर इतनी ठंड होती थी कि मुझे और मेरे भाई को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। हमारे पास घर को गर्म करने की सुविधा नहीं थी और हमें लकड़ियों और रबड़ को जलाकर खुद को और अपने माता पिता को गर्म रखना पड़ता ताकि वो ठंड से जम ना जाएं। उनकी माँ की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी और फिर 6 महीने के बाद टीबी के चलते उनके पिता भी चल बसे। उस समय उनके एक रिश्तेदार उनको सीबेन के द्वारा मदद दिए जाने वाले एक अनाथालय में ले आए। तभी से गालिया और कौलिया का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। सेंटर में आकर मैं बहुत खुश हूँ। लोग मेरी परवाह और मेरी देखभाल करते हैं। मुझे यहाँ रहना पसंद है क्योंकि यहाँ खिलौने और टीवी है। यहाँ गर्म और आरामदायक माहौल है और साथ ही हर वो चीज भी जिसकी हमें जरूरत है। गालिया और कौलिया ने परमेश्वर के बारे में भी जाना। बाइबल की पढ़ाई के दौरान गालिया और कौलिया ने यीशु को अपने हृदय से ग्रहण कर लिया। जब मैंने यीशु के बारे में सुना मुझे ऐसी खुशी मिली कि मैंने तुरंत प्रायश्चित कर लिया। मैंने यीशु से अपनी अतीत की गलतियों के लिए माफ करने को कहा। आज कौलिया अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और गालिया को परमेश्वर के लिए स्तुति गीत गाना बहुत पसंद है। सीबीएन की टीम मोल्डोवा जैसे दूर देश में मदद लेकर आया। उसी समान सीबीएन की टीम भारत भर में अलग अलग जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है और मदद लेकर आ रहा है। आइए उसकी एक झलक हम देखते हैं। मैं भूखा था, मुझे तुमने भोजन दिया। जब मैं निराश में था, तुमने मुझे आशा दी। जब मुझे चोट लगी थी, तुमने मेरे को छूकर चंगाई दी। मुझे छोड़ा हुआ था, तुमने मुझे अपना प्यार दिया। जब मैं तागी हुई थी, तुमने मुझे अपना। आपने देखा किस तरीके से सीबीएन की टीम ने दोनों बच्चों की सहायता करी। उसके साथ साथ सीबीएन की टीम जगह जगह जाती है और लोगों की मदद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए। जब आप अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं उसके जरिए सीबीएन और लोगों की मदद कर पाता है, उनकी जिंदगियों को बदल सकता है, उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। दोस्तों हम आपको बता दें, जब आप अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं और इसीलिए सीबीएन अपने पार्टनर्स को धन्यवाद करना चाहता है। दोस्तों हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। आप अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीसट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर ब्लॉक C, सुशांत लोकवान, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 12009, इंडिया। लेकिन अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं, इसे जरूर देखिए और हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv। या हमें कॉल करें 01244286777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें 09910401010 पर SMS करें। आपके भेजे पत्र पढ़ेंगे ब्रेक के बाद।
लाचार की प्रार्थना की ओर ध्यान करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, शायद आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ बातें करे, कोई आपके साथ प्रार्थना करे। शायद आप शर्म की जिंदगी जीते हैं, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले देखा। हम चाहेंगे कि आप हमें फोन करें और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय भी हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। एक SMS आया है हमारे पास जो अभिषेक हमें लिखते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही शर्म भरा जिंदगी जी रहा हूं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आए और मेरे परिवार में भी शांति आ जाए। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभिषेक जी। अभिषेक, आप चिंता मत करिए, जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएंगे तो शर्म की कोई जगह नहीं रहेगी। उसके साथ साथ हमारे पास SMS आया है जो हमें राहुल ने भेजा है और राहुल चाहते हैं हम इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके पापों को क्षमा कर दें और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हम इनकी हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करें। राहुल के साथ साथ हम प्रार्थना करना चाहेंगे रेमुलास के लिए, जिन्होंने हमें त्रिपुरा से ये SMS भेजा है और वो लिखते हैं कि वो अपने कजिन के लिए प्रार्थना चाहते हैं जिनका नाम है मीखा और उनको ब्रेन ट्यूमर है। उसके लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है और वो ये लिखते हैं कि उनको विश्वास है कि केवल यीशु मसीह ही मीखा को चंगाई दे सकते हैं। तो आप पहले तो आपका धन्यवाद कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम आपके कजिन मीखा के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। तो इस वक्त आप भी अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए और आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद हो आपका इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं राहुल के लिए। परमेश्वर, आप इनकी सहायता करें। प्रभु, ये अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने पापों से क्षमा चाहते हैं। प्रभु, आप इनके साथ हो। प्रभु, होने दे कि इनके शारीरिक रूप से इनको जो कोई भी दुर्बलता है, जो कोई भी कमी घटी है, प्रभु उसको आप दूर कर सकें। प्रभु, इनको एक हेल्दी जीवन आप दे सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं मीखा के लिए। परमेश्वर, इनको ब्रेन ट्यूमर है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि बीमारी बड़ी है। प्रभु, ऐसे वक्त में इंसान निराश हो जाता है, आशा छोड़ देता है। प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि आप हर डॉक्टर से बढ़कर हैं। प्रभु, इसलिए हमारा विश्वास है कि आप मीखा को चंगाई देंगे। प्रभु, और हुंदे कि आपकी योजना के अनुसार मीखा के जीवन में कार्य हो सके। प्रभु, और इनको अपनी बीमारी से चंगाई मिल सके। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इन दोनों परिवारों के साथ होना और होने देना कि प्रभु इनके जीवन में जो कोई भी कमी घटी हो वो दूर हो सके। परमेश्वर, प्रभु, हम अभिषेक के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस समय जहां कहीं भी वो हैं, प्रभु, हम मांगते हैं कि उनके अंदर का शर्म तू निकाल देगा। प्रभु, हम मांगते हैं उनके परिवार में तू शांति लेकर आएगा। अभिषेक जानेगा कि परमेश्वर उपस्थित है, उसके बीच में है, वो जिंदा है और वो मददगार परमेश्वर है। हम मांगते हैं अभिषेक की जिंदगी पे तेरी आशीष हो। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। भाइयों, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। सिर्फ हम ही नहीं प्रार्थना कर सकते, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। शास्त्र कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जरूर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आशीष को चखिए। चाहे कितनी भी उदासी या परेशानी हो, चाहे सब लोग मुझे अकेला क्यों ना छोड़ दें, चाहे मैं कितना भी कमजोर पड़ूं या फिर टूट जाऊं, मैं आशा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज आपने हमारे कार्यक्रम में देखा किस तरीके से परमेश्वर ने पद्मा के जीवन को बदल दिया, उनके जीवन से शर्म को निकाल कर उनके जीवन में रिस्पेक्ट और डिग्निटी को भर दिया और आज वो अपने जीवन में बिल्कुल खुश हैं। साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से सीबिन की टीम ने गायला और कोयला की सहायता करी। दोस्तों, हमारे प्रेयर सेंटर आपके लिए लगातार खुले रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें फोन करें, आप सलाह चाहते हैं, आप प्रार्थना चाहते हैं। हमारे प्रेयर सेंटर, हमारे प्रेयर एजेंट्स उसमें बैठे हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सलाह देंगे और आपको मदद करेंगे ताकि आप ये शर्म की जिंदगी को छोड़कर आशीष की जिंदगी परमेश्वर के साथ जी सकें। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। देर मत करिए, अभी फोन उठाइए और हमारे प्रिय एजेंट से जरूर बात करिए।
लेकिन आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार कीजिए, डिग्निटी का जीवन जिए। जय मसीह की। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। बोले यीशु आ अपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूं। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुही। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुही। हूँ मैं तेरे करे सांस से भी करी, हूँ मैं तेरे करे सांस से भी करी। रुक वो गया, रुक में गया, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। रुक वो गया, रुक में गया, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। वो आंखें प्यार की है कहानी, वो किले देती है से भी गरीब। आ गया वो करी सांस से भी करी। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी जबान। दौड़ी लहर जान में, छूने की कुवत कहां।